देखो इस वीडियो में बात करेंगे फीचर्स, क्वालिटी और प्राइस रेंज की। क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दो नेकबैंड को, जिसमें सबसे पहले है मीवी कॉलर क्लासिक प्रो, जो अभी लेटेस्ट में फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया गया और ये काफ़ी चीपेस्ट प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। और सेकंड है डीजो वायरलेस डैश, जो कि बजट प्राइस में काफ़ी तगड़ा नेकबैंड है। और ये दोनों नेकबैंड क्या आपस में कम्पीट करते हैं या फिर नहीं, और इन दोनों नेकबैंड में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए या फिर कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। मीवी में प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है और काफ़ी सिंपल डिजाइन का यूज़ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिजाइन थी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन का यूज़ देखने को मिलेगा। बात करें डीजो की तो इसमें सिलिकॉन और प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और इसमें आपको टेक्सचर डिजाइन का यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। और ये नेकबैंड बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में काफ़ी प्रीमियम फील होता है, तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के मामले में डीजो आगे निकल जाता है। और बात करें इनके कंट्रोल बोर्ड की, मीवी में इनलाइन कंट्रोल बोर्ड का यूज़ किया गया, जिसे ऑपरेट करने में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो सकता है। बात करें डीजो की तो इसके नेकबैंड पर ही कंट्रोल बोर्ड हाउसिंग का यूज किया गया है। और ईयरबड्स की बात करें तो मीवी में मेटल और प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, वहीं डीजो में प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ देखने को मिल जाएगा और दोनों ही ग्लोसी फिनिशिंग के साथ भी आते हैं। साथ ही दोनों में एंगल डिजाइन का यूज़ किया गया है। और कंफर्ट एंड फिटिंग की बात करें तो दोनों ईयरबड्स में आपको अच्छी फिटिंग देखने को मिल जाएगी और सिलिकॉन टिप्स का यूज़ भी किया गया, जिससे कि आप इन्हें अपनी ईयर साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ कंफर्ट एंड फिटिंग के मामले में दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। और साथ ही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मीवी में IPX5 और डीजो में IPX4 की रेटिंग दी गई है, जिससे कि दोनों ही स्वीट प्रूफ एंड स्प्लैश प्रूफ बन जाते हैं। आप इन्हें जिम में वर्कआउट्स के दौरान या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ मीवी में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट दिया गया और इसमें SBC और AC हाई क्वालिटी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। और कनेक्टिविटी में बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, यहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करें डीजो की तो इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ आपको AC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आप रियलमी लिंक ऐप के साथ भी इसे पेयर करके यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स भी दिया गया है, जैसे ही आप इन ईयरबड्स को अटैच करते हैं आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अगेन सेपरेट करने से आपके डिवाइस से ऑटो ही कनेक्ट भी हो जाते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मीवी में 13mm के लार्ज स्पीकर ड्राइवर का यूज़ किया गया है, वहीं डीजो में 11.2mm के स्पीकर ड्राइवर का यूज़ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ दोनों में ही आपको अच्छी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर की बात की जाए तो डीजो में आपको क्रिस्प एंड क्लियर वोकल सुनने को मिल जाएंगे और बेस भी काफ़ी हैवी सुनने को मिल जाता है और बेस में भी आपको क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ मीवी का नेकबैंड डीजो को बीट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीवी की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें भी आपको क्लियर वोकल सुनने को मिल जाएंगे और मीडियम लेवल का बेस भी दिया गया है और लाउडनेस भी आपको हाई सुनने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर इनके प्राइस रेंज को देखा जाए तो दोनों ही अपनी प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बात करें ऑडियो क्वालिटी की, दोनों में मेम्स माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ डीजो में आपको इनेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही इंडोर कंडीशन में सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन बात करें आउटडोर कंडीशन की या फिर ट्रैफिक एरिया की तो यहाँ डीजो बेहतर परफॉर्म करता है, ये काफ़ी हद तक नॉइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ मीवी का नेकबैंड डिसेंट ही परफॉर्म करता है, तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी यहाँ डीजो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और गेमिंग मोड की बात करें तो यहाँ मीवी में गेमिंग मोड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अगर आप इस नेकबैंड का यूज़ करके गेमिंग प्ले करेंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लेटेंसी फील होगी। बात करें डीजो की तो इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको 88 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी भी मिल जाती है, तो आप इस नेकबैंड का यूज़ करके गेमिंग प्ले कर सकते हैं, यहाँ आपको कम ही लेटेंसी फील होगी। और बात करें बैटरी लाइफ की, यहाँ ऑन पेपर की बात करें तो डीजो में 30 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम दिया गया, वहीं मीवी में 72 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कंडीशन भी डिपेंड करती है, अगर आप हायर वॉल्यूम पर प्रीफर करेंगे तो आपको बैटरी लाइफ भी कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ फिर भी बैटरी लाइफ के मामले में मीवी का नेकबैंड आगे निकल जाता है, इसमें आपको लॉन्ग बैटरी बैकअप दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, इन दोनों नेकबैंड में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। देखो दोस्तों दोनों ही अपनी प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और वैल्यू फॉर मनी है, और यहाँ आप अंडर 1000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में मीवी के लिए जा सकते हैं, ये काफ़ी चीपेस्ट नेकबैंड है। और अगर आप अपनी प्राइस रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आप 500 रुपीज़ के आसपास एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप डीजो डैश के लिए जा सकते हैं, ये काफ़ी तगड़ा नेकबैंड है और इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और क्वालिटी में भी यहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।